गुड इवनिंग सत श्री अकाल दोस्तों, हमने वादा किया था और आज हम फिर हाजिर हो गए एक नए और बहुत खास मेहमान के साथ। हमारे साथ न्यूयॉर्क सिटी से जुड़े हैं जावेद उस्मानी जी। जावेद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल लाइफ टॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। तो सर, कुछ बातें मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी। यूं तो जावेद साहब की आला शख्सियत से हर कोई वाकिफ है, लेकिन कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी। जावेद साहब IAS 1978 बैच के ऑल इंडिया टॉपर है। अपनी सर्विस के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 8 साल से ज्यादा सीनियर पोजीशंस पर काम किया। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रहे और IAS से रिटायरमेंट के बाद 5 साल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश रहे। जावेद साहब ने 40 साल से ज्यादा देश की सेवा करी। जावेद साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। आवर प्लेजर सर। नवीद सर, मैं एक अल्लामा इकबाल साहब के कलाम से इस शो की ओपनिंग करना चाहूंगी, क्या इजाजत है? इरशाद। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ओके, बहुत अच्छा शेर है। जी सर, जी सर। सर, हमारे पहले सवाल से हम आज की बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारा पहला सवाल कुछ यूं है, जिंदगी की शुरुआती दौर के बारे में कुछ बताइए। शहर, घर, परिवार, तालीम। जी, मेरी पैदाइश इलाहाबाद में हुई थी 1956 में, एक मिडिल क्लास फैमिली में। मेरे फादर यूपी गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, तो इसलिए हम लोग, हमारा पूरा फैमिली यूपी में अनेकों शहरों में रहा। मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ, उसके बाद मेरठ में रहे, फिर बुलंदशहर में रहे, मुजफ्फरनगर में रहे, बरेली, अलीगढ़, अनेकों जगहों पर रहे। जो हमें बचपन की यादें हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट याद ये है कि हर 2-3 साल के बाद में पैकिंग करते थे और फिर ट्रक में सामान लगता था और फिर उसके बाद में नई जगह पर पहुंचते थे और नए दोस्त बनाने पड़ते थे। लेकिन उसकी वजह से जिंदगी में बहुत वैरायटी बनी रही और अनेकों जगहों पर दोस्तियां हैं, वो दोस्त अब भी टच में हैं। तो इसलिए जो बचपन की यादें हैं वो इंटरेस्टिंग है। मुझे ये भी याद है कि In my childhood, in the schooling days, मैं बड़ा कॉम्पिटिटिव था। तो ये था कि I was competing for the top position in class 3 and class 4 and class 5. And perhaps that habit has continued. Wow. Throughout. Wow, sir. And मेरी स्कूल एजुकेशन जैसे मैंने बताया इलाहाबाद में हुई, मेरठ में हुई। मेरठ में I was in class 2-3 in Sophia Girls School. तो अब भी वो मुझको मेरी फैमिली की, मेरी सिस्टर्स चिढ़ाती हैं कि Sophia Girls School में पढ़े थे आप। बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, बरेली में, अलीगढ़ में, इन सब जगहों पर मेरी स्कूलिंग हुई। तो जो मेरी बचपन की यादें हैं वो एक वैरायटी से भरी हुई जिंदगी की। क्या बात है सर, आपके बचपन के स्कूलिंग से ही जुड़ा हुआ एक मैं सवाल पूछना चाहूंगी। बचपन की खास याद जिसे आप लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट मानते हैं। देखिए, लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट कहें या एक इंपॉर्टेंट इवेंट कहें, एज आई टोल्ड यू, इलाहाबाद में मैं क्लास 3, 4, 5 वगैरह में, 6 तक इलाहाबाद में सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल में पढ़ता था और वो एक इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल था और वहाँ पर आई वाज वेल सेटल्ड एंड आई वाज यूज्ड टू इंग्लिश मीडियम फॉर द इंस्ट्रक्शन। वहाँ से मेरे फादर का ट्रांसफर बुलंदशहर हो गया था। तो जब हम लोग बुलंदशहर पहुँचे तो वहाँ ये पता चला कि इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल क्लास 6 तक नहीं था, मतलब कुछ कुछ स्कूल शुरू हुए थे जो कि क्लास 2, क्लास 3 तक ही थे। सो देयर वाज नो ऑप्शन फॉर मी बट टू चेंज टू हिंदी मीडियम स्कूल। तो
मैं क्लास 7 में इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बुलंदशहर में। और जब मैं पहली बार स्कूल पहुंचा तो इट वाज अ वेरी टेरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी, इन द सेंस दैट मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। अर्थमेटिक पढ़ते थे सेंट जोसेफ्स में, यहाँ पर अंक गणित पढ़ना शुरू किया, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बदले अनुपात और समानुपात यूज हुआ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड फॉर अ चाइल्ड इट वाज अ वेरी टेरिफाइंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि सडनली अ पर्सन, मैं वहां पर अपने पुराने स्कूल में आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट एंड सडनली आई वाज द वर्स्ट स्टूडेंट। तो वो पीरियड था जब मैं बहुत क्राइसिस में आ गया था एज अ चाइल्ड, और मैं घर पे बाकायदा रो 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 के जिद कर रहा था कि मुझको वापस भेज दीजिए, वहां वहां हॉस्टल में डाल दीजिए इलाहाबाद में। माई फादर सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर मी इन अ वेरी गुड वे। यू नो ही सर्च्ड फॉर एंड ही फाउंड अ टीचर हु कुड टीच मी हिंदी, एंड मुझे उनका नाम हमेशा याद रहेगा। मास्टर साहब कहा करते थे उनको, उनका नाम था श्री ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा जी ने मुझे पढ़ाया और मैं उनके घर जाता था पढ़ने के लिए। एवरी डे इन द अर्ली मॉर्निंग आई यूज टू गो टू हिज साइकिल टू हिज प्लेस, एंड मैं हमेशा आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझको इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं विद इन 1 साल के अंदर मैं हिंदी का में काफी पारंगत हो गया, और फिर आगे आगे मुझको हिंदी इनफैक्ट बिकेम माई स्ट्रेंथ। मुझे याद है यूपी इंटरमीडिएट बोर्ड में हिंदी में डिस्टिंक्शन नहीं आता था उस जमाने में, 75% नंबर नहीं मिला करते, लेकिन मुझको अपने हाँ मुझको अपने यूपी इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्जाम में हिंदी में भी डिस्टिंक्शन मिला। तो वो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो ओम प्रकाश शर्मा जी को जाता है, जिन्होंने मुझको बाकायदा 1 साल तक हिंदी पढ़ाई और इतना इतना मुझे सिखा दिया कि मैं हिंदी में पारंगत हो गया। सो दैट वाज अ फेज क्राइसिस काइंड ऑफ अ फेज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। सर, आपने अपने बचपन की तालीम के बारे में बताया, आपने ये बताया कि कैसे आपके जो गुरुदेव थे उन्होंने आपकी मझदार फंसी कश्ती को पार लगाया और आपको एक प्रकांड पंडित बनाया हिंदी का। उसके जी आगे हाँ का मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी, आगे की तालीम अलीगढ़ IIM, अहमदाबाद और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का सफर कैसा रहा आपके लिए? देखिए, मैं पढ़ने में हमेशा अच्छा था। आई हैड अ वेरी गुड एकेडमिक करियर। मैंने यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा में यूपी में थर्ड पोजीशन हासिल की थी, और फिर इंटरमीडिएट में, जो 12वीं क्लास को इंटरमीडिएट कहते हैं यूपी में, तो इंटरमीडिएट में मैं यूपी में फर्स्ट था अपने बैच में। और उस वक्त जब मैंने जब इंटरमीडिएट का इम्तिहान दिया था, उस पीरियड में मैं फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टेड था। माय वन ऑफ माय इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, और मेरी जो उस वक्त की एम्बिशन थी इन क्लास 12, वो फिजिसिस्ट बनने की थी। देखिए, मैं फ्रेंकली बताऊंगा तो मैं एज अ चाइल्ड, एज अ यंग पर्सन, यंग बॉय इन इंटरमीडिएट इन क्लास 12, आई ड्रीम्ड ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, यू क्या बात है, देखते हैं जी। अभी कंटिन्यू एंड आई वाज रीडिंग बुक्स व्हिच वर बेसिकली BSc लेवल बुक्स इन क्लास 12। वो मैं फिजिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, आई वाज इन लव विद फिजिक्स, और उसकी वजह से इंटर के बाद में मैंने IIT के एडमिशन के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था इन 1971, एंड आई वॉज सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू IIT। इनफैक्ट आई गॉट अ वेरी गुड रैंक ऑल इंडिया एंड आई वॉज सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू IIT कानपुर। और मैं वहां गया भी था इंटरव्यू देने के लिए, जो एडमिशन से पहले एक फॉर्मेलिटी उनकी होती थी उस जमाने में, इंटरव्यू की। और उस इंटरव्यू में यू वुडंट बिलीव इट, इवन एज अ चाइल्ड, आई मीन आई वॉज अ चाइल्ड क्लास 12, आई वेंट देयर एंड आई टोल्ड देम इन द इंटरव्यू दैट आई डोंट वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, I don't want to join IIT Kanpur, and I love physics, and I would like to continue studying physics. So they were astounded कि ये कैसा
अजीब आदमी आया है कि इंटरव्यू देने आया है लेकिन कह रहा है कि मुझे एडमिशन नहीं चाहिए. एंड देन दे टुक आउट अ फॉर्म फ्रॉम द ड्रॉअर जिसमें आई बेसिकली सरेंडर्ड माई सीट. आई साइन दैट फॉर्म एंड आई वॉक आउट ऑफ दैट इंटरव्यू. माई फादर वॉज वेरी अपसेट विद मी कि ये क्या करा तुमने, जाकर के आई आई टी का एडमिशन जो है उसको छोड़ दिया. नाउ यू नो आई वॉज ऑल्सो गेटिंग द साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप इन दोज डेज. ये क्लास 11, 12 एंड BSc वगैरह में उस जमाने में मिलता था. अब भी वो NCERT का नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है. नाउ इन द साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप दे यूज टू हैव एनुअल समर स्कूल्स. और वो एनुअल समर स्कूल्स जो थे वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एक महीने डेढ़ महीने के लिए वो इकट्ठा करके फिजिक्स के स्टूडेंट्स को फिजिक्स के समर स्कूल में भेजते थे, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के समर. दैट वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट यूज्ड टू बी डन. एंड देन यू बिल्ट अप अ सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ यू नो साइंस टैलेंट स्कॉलर्स गोइंग यू नो गोइंग एंड अटेंडिंग समर स्कूल्स एवरी ईयर. तो उन समर स्कूल्स में जब मैं गया, पहला समर स्कूल लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ था, दूसरा समर स्कूल IIT बॉम्बे में हुआ था और तीसरा समर स्कूल वॉल्टेयर यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में हुआ था. इन तीन समर स्कूल्स में आई इंटरेक्टेड विद अदर स्टूडेंट्स हु वर आल्सो गेटिंग साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप हु वर आल्सो इक्वली इंटरेस्टेड और मोर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स देन इवन मी. एंड आफ्टर इंटरेक्टिंग विद देम आई स्टार्टेड कमिंग टू दिस रियलाइजेशन के साइंस में अगर करियर बनाना है, फिजिक्स का अगर करियर बनाना है, फिजिसिस्ट बनना है अगर, तो मैं नहीं बनूंगा, ये लोग बनेंगे. मेरे से भी ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मेरे, मैं उतनी मेहनत और उतना कमिटमेंट मेरा नहीं है जितना कि इन लोगों का है. दे वर 5-6-10 सच पीपल हु वर रियली इम्प्रेसिव इन दैट ग्रुप. एंड स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट परहैप्स आई विल हैव टू मेक अ डिफरेंट चॉइस. It was around, I think, in the second or third year of BSc, in the sub, and as a consequence of attending those summer schools, that I gave up my earlier decision of becoming a physicist and, you know, doing research in physics and having, you know, that ambition that I had about physics. वो मैंने फिर give up करी. और उस वक्त फिर सवाल उठा कि अब क्या करा जाए, क्योंकि IIT भी नहीं गया था और physics भी नहीं करनी थी. So it was then that you know I came to know about the Indian Institute of Management and management as a very good career option. And therefore in the year 1973 I sat for the entrance examination for admission to IIM Ahmedabad and IIM Calcutta. And in 1974 I joined Indian Institute of Management Ahmedabad. So that was the journey that I went through, a torturous journey with lots of twists and turns in my life. And I landed up in IIM Ahmedabad in 1974. And maha do saal, 74-76, jo do saal mere wahan guzre, I look back and I, you know, frankly, I consider those as the two most productive years of my life. Matlab jitna maine un do saalon mein सीखा उतना कॉन्सेंट्रेटेड मैंने शायद पहले कभी दो साल में नहीं सीखा था. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हिंदुस्तान के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन करके वो क्रीम को वहां लाते हैं. एवरी पर्सन इज सम पोजिशन होल्डर ऑफ सम यूनिवर्सिटी और द अदर. ये IIT कानपुर का टॉपर है, ये लॉयला कॉलेज मद्रास का टॉपर है, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपर. एवरीबॉडी इज अ टॉपर. सो बैक होम एवरीवन वाज अ किंग इन हिज एरिया. वहां इतने सारे लोग बहुत अच्छे पढ़ने वाले एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं एंड देयरफॉर द कंपटीशन इज एक्सट्रीमली इंटेंस एंड द यू नो द लाइफ इज नॉट एट ऑल ईजी. बहुत पढ़ना पड़ता है लेकिन बहुत सीखते हैं. और वो आप टीचर्स से तो सीखते ही हैं, एक्सीलेंट फैकल्टी, बट अपने पीयर ग्रुप से, अपने साथियों से आप बहुत ज्यादा सीखते हैं. सो आई लुक बैक एंड आई थिंक द 2 years आई स्पेंट लर्निंग यू नो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एट IIM अहमदाबाद वर रियली वेरी प्रोडक्टिव ईयर्स. तो इस तरह से जो मेरी
एकेडमिक जिंदगी है वो ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई थी। सर, आपकी कहानी सुनकर एक थ्री इडियट्स का किरदार याद आ गया, जी रणछोड़ बताइए। दास झांझर, जो आमिर खान का किरदार हाँ था, ओके ओके रानचो का किरदार। तो काफी सारे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हाई आईक्यू के लोग होते हैं, उनके लिए एकेडमिक्स का थोड़ा चयन करना टफ होता है, बिकॉज वो बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सर, आपने एक चीज नहीं बताई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सफर के बारे में। जी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आईएएस में आने के बाद इन सर्विस ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था। देर यूज टू बी फेलोशिप विच यूज टू बी ऑफर्ड इन दोज डेज, अब वो शायद बंद हो गई है। इट वॉज कॉल्ड कोलंबो प्लान फेलोशिप। सो वो आईएएस ऑफिसर्स की मिड करियर ट्रेनिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दैट वॉज इन द ईयर 1990। तो 1990 में एक साल का मास्टर्स प्रोग्राम होता है, यूके का मास्टर्स प्रोग्राम एक साल का होता है। तो इट वॉज अ मास्टर्स इन सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग, बेसिकली सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। उनका एक 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज अटेंडिंग एन इंटरनेशनल कोर्स, and that too in one of the world's best institutions. So that experience and that great learning experience is, I will always remember that. And very frankly, it was at LSE during this course that I took a course on gender and development. And पहली बार मैंने जेंडर इश्यूज को एक फॉर्मल एकेडमिक प्रोग्राम के फॉर्म में पढ़ा। एंड आई लर्न अ लॉट, आई वॉज अनअवेयर ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, द इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वीमेन, द पेट्रियार्कल सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्विटी। वो चीज मुझे समझ में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही आई, क्योंकि पहली बार एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में एक फॉर्मल प्रोग्राम में मैंने एक कोर्स के रूप में इसको पढ़ा। सो दैट इज व्हाट आई रिमेम्बर मोस्ट अबाउट दैट 1 ईयर एट एलएसई। सर, मैं अगले बात से एक जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर का चयन क्यों नहीं करा आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ने के बाद भी, और ये फैसला आपने क्यों लिया? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, माय लाइफ हैज गॉन थ्रू ट्विस्ट एंड टर्न्स। कभी मैं फिजिक्स में फिजिसिस्ट बनना चाहता था, फिर मैं आईआईटी जा रहा था, मैंने वहां जाके मना कर दिया, फिर मैं आईआईएम अहमदाबाद पहुंच गया। और आईआईएम अहमदाबाद में आई वाज डूइंग वेल देयर, अच्छा खासा मेरा वहां पे पोजीशन थी। आई वाज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु गॉट व्हाट वाज कॉल्ड द इंडस्ट्री स्कॉलरशिप। आइस आइस कॉल्स कहते थे हम बड़े गर्व से अपने को। दो स्टूडेंट्स हुआ गिवन द इंडस्ट्री स्कॉलरशिप, 5-6 बच्चों को, 5-6 लड़कों लड़कियों को इंडस्ट्री स्कॉलरशिप मिला करता था इन इन बोथ इयर्स, एंड दे वर कंसिडर्ड एज आइस कॉल्स। अदर्स यूज्ड टू लुक अप टू देम अ लिटिल। आई वाज वन ऑफ द आइस कॉल्स देयर। सो ऑल ऑल एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, एंड आई वाज श्योर दैट द प्लेसमेंट सीजन दैट हैपेंस आफ्टर द सेकेंड ईयर इज ओवर, उनका एक प्लेसमेंट सीजन कहलाता है, व्हेन कंपनी कम टू द कैंपस and they recruit students from there, and on an average every student gets 2, 3, 4 jobs, and you have a choice then in front of you. It's a very elite institution. तो वहाँ पर सारी companies जा करके आपस में compete करती हैं to get students from there. So everything was going fine, but in the second year I again started having some thoughts in my mind कि ये is this career for me? क्या मैं corporate sector में एसेंशियली प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करूंगा, और वुड दैट गिव मी हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन? व्हाट इज इट दैट आई एम लुकिंग फॉर इन अ जॉब फॉर माई सेल्फ? एंड स्लोली आई स्टार्टेड कमिंग टू दिस कंक्लूजन दैट द कॉर्पोरेट सेक्टर वुड नॉट गिव मी सेटिस्फैक्शन। आई मे डू वेरी वेल, आई मे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, आई मे एंड अप हेडिंग अ कंपनी, बट इट वुड नॉट गिव मी self-actualization. I would not be really happy. And I concluded that what I was looking for was a challenge of a different kind.
You know, I was looking for myself. You know, I was wanting to do a job which would enable me to do good to a very large number of people. And here in the corporate sector, basically, I will not be doing that. I will be doing good to the shareholders, maybe to the owner of the company. If I perform well, if I excel in my job, I will be giving benefit to the shareholders and to the owners of the company, not to the public at large. So I started getting second thoughts about going into a corporate sector career. And it is around that period that I started thinking of alternatives. And after much thought, I came to the conclusion that I will not join the corporate sector. I will not make a career for myself in the corporate sector. I will go and join the Indian Administrative Service. So it was in the second... आप फर्स्ट इंडियन मुस्लिम यूपीएससी ऑल इंडिया टॉपर रहे। आज हमारे साथ काफी आईएएस एस्पिरेंट्स जुड़े हैं, तो आप उन्हें आईएएस एग्जाम के मुतालिक क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आईएएस का इम्तिहान बहुत पहले दिया था। मैंने आईएएस का इम्तिहान 1977 में दिया था, और तब से अब तक इस इम्तिहान का स्वरूप बदल चुका है। इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एग्जामिनेशन नाउ, लेकिन जो मेजर इश्यूज हैं इस इम्तिहान की तैयारी करने के लिए उसे संबंधित, वो इश्यूज वही हैं। तो मैं अपनी उस वक्त के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ राय देना चाहूंगा, और मेरे ख्याल से वो राय आज भी रेलिवेंट है। तो मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि आईएएस की तैयारी एक फुल टाइम जॉब है। डोंट डू इट एज अ पार्ट टाइम जॉब कि मैं ये भी कर रहा हूँ और साथ में तैयारी भी कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। बहुत कम लोग, कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन आम तौर पर अगर आप कुछ और कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, साथ में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। इट इज अ फुल टाइम जॉब। यू हैव टू गिव योरसेल्फ यू नो 8-10 मंथ्स ऑफ सिंगल माइंडेड प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हजारों लाखों बच्चे इसको देते हैं, और गवर्नमेंट यूपीएससी कोशिश करती है कि उनमें से बेस्ट को वो सिलेक्ट करे। तो इसलिए इट्स अ फुल टाइम जॉब। नंबर टू, यू हैव टू बी कमिटेड टू प्रिपेयरिंग फॉर इट। यू नो, इफ यू टू जस्ट गिव यू अ पॉइंट, यू नो, आई हैड गिवन अप अ करियर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। आई हैड बर्नड माय ब्रिजेस बिहाइंड मी व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर द आईएएस। देयर वाज नो अदर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ मी। आई हैड टू गेट इनटू द आईएएस। माय कमिटमेंट वाज कंप्लीट। And the formula for preparing for the IAS examination is, I would, in three words, I would put it, it's systematic hard work. You have to work hard, but don't work hard in a, you know, you have to do it in a systematic manner. You have to, first of all, you have to choose your subjects, jinmein aap imtihan denge, unko bahut carefully choose kariye. Wo aapke, ho sakta hai, aapke pehle padhe ho subjects, ho sakta hai, aap ना पढ़े हो उनको और नया सब्जेक्ट आपने चूज किया हो, बट गिव टाइम टू योरसेल्फ टू गो थ्रू द सिलेबस, अंडरस्टैंड इट, कंसल्ट सम पीपल होम यू रिस्पेक्ट। सब्जेक्ट्स जो आपको इम्तिहान में देने हैं, उन सब्जेक्ट्स को बहुत केयरफुली चूज करिए, एंड आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से टाइम करें कि आपके पास एंड में कम से कम 1.5-2 महीना रिविजन के लिए, बिकॉज एक वास्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद यू हैव टू रिवाइज इट ऑल्सो। तो आप प्लानिंग इस तरह से करें कि आप आखिर के 2 महीने, कम से कम 1.5-2 महीने रिविजन के लिए रखें। साथ में अगर आप कहीं किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहें तो आप करिए उसको, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप कोचिंग, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी मदद ही करेंगे। तो ये सब फॉर्मूले हैं इसके तैयारी करने के आईएएस के लिए। ये सारे फॉर्मूले एक बहुत एक्सपर्ट आईएएस ऑफिसर जा रहे हैं जो डॉक्टर आईएएस के हैं, आई एम श्योर सर। हां, लेकिन पुराना पुराने हैं। बिल्कुल पुराने हैं, लेकिन मुझे लगता है पुराने ही हमेशा काम आते हैं लोग। ओल्ड इज गोल्ड वाली बात होती है। सर, एक खास सवाल ये है कि एज एन आईएएस आप बहुत जगह पोस्टेड रहे। आईएएस में बहुत तरह के असाइनमेंट्स मिलते हैं। आपको क्या प्रोमिनेंट असाइनमेंट्स याद है? कुछ अपनी प्रोमिनेंट पोस्टिंग के बारे में भी बताइए। देखिए, आईएएस, एज एन आईएएस ऑफिसर,
यू नो आई वॉज पोस्टेड इन मेनी प्लेसेस. एक लंबे करियर में अनेकों जगह पर आपकी पोस्टिंग होती है, लेकिन जो पोजीशंस, जो पोस्टिंग्स मुझे याद हैं अच्छी, जो जिनके बारे में अच्छी मेमोरीज मेरे पास हैं, उनमें यू नो वर्किंग एज अ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ अलीगढ़, वर्किंग एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ बुलंदशहर एंड गोरखपुर. देन आई वर्क्ड फॉर 3 years ऑन डेपुटेशन एज रजिस्ट्रार ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, माई अल्मा मैटर. And I was also posted as managing director of a fairly large UP public sector undertaking called UP Cement Corporation, UP Cement Corporation Limited. It was in the back of beyond in a place called Churk in near Mirzapur, jahan par uski factories thi. I worked as secretary to Chief Minister Mr. Mulayam Singh Yadav and Ms. Mayawati. And I worked as joint secretary to Prime Minister for more than about eight and a half years, serving 4 prime ministers, Mr. Devegowda, Mr. Gujral, Mr. Vajpayee, and Dr. Manmohan Singh. I was posted in Kathmandu in the Indian Embassy as Minister Economic Cooperation for 3 years, looking after Indian aid to Nepal. I also got the opportunity to work in the World Bank for 3 years, Washington DC, in the board of the World Bank, serving as senior advisor to the executive director. I was chief secretary of UP for about 2 years and 3 months. And after retirement, I got the opportunity. I was appointed to the statutory position of chief information commissioner of UP for 5 years. From 2015 to 2020. So, कहने का मतलब यह है कि over this long career of more than 40 years, there were many posts, but जो मैंने अभी list करी, these are posts which I remember with you know I had the opportunity of working and achieving some things there. तो मुझे याद है ये सारी posting. Sir, काफी list बहुत खूबसूरत रहा आपका सफर, क्योंकि बहुत लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है. सर, सर पीएम ऑफिस में आपने 8.5 साल सेवा करी, ऑफिस में रहकर देश के 4 प्रधानमंत्री, जो आपने अभी बताया, के साथ काम किया, वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म करी, जिनसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर फर्क पड़ता है. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस फ्रेमिंग द पॉलिसीज एंड योर रोल? देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर था, विच इज अ सीनियर पोजिशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और मैं दो स्टिंट्स में 8.5 साल तक रहा. पहली स्टिंट थी 1996 से 2001 तक, और दूसरी स्टिंट थी 2004 से 2007 तक. पहली स्टिंट में मिस्टर देवेगौड़ा, मिस्टर गुजराल, मिस्टर वाजपेयी के साथ रहा, एंड वाजपेयी जी के साथ मैं 3 साल से अधिक अवधि तक पहली स्टिंट में रहा. और दूसरी स्टिंट में 3 साल से अधिक पीरियड तक मैं मनमोहन सिंह जी के साथ, दोनों बार मैं जॉइंट सेक्रेटरी था. और एज जॉइंट सेक्रेटरी प्राइमरीली जो मैं सेक्टर देखता था वो इकोनॉमिक सेक्टर है, विच मींस दैट जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज, रेलवेज, रोड्स, पावर, प्लानिंग कमीशन, तो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज से कनेक्टेड जो भी मैटर्स प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के लिए आते थे, उनको प्रोसेस करना मेरा काम था. उन पे राय देना, उनको प्रोसेस करना, उन पे डिसीजंस कराना. तो अनेकों मौके मिलते हैं जब आप इस तरह के दफ्तर में काम करते हैं, आपको अनेकों मौके मिलते हैं कि आप नेशनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकें या इनिशिएट कर सकें. और उनको सबको याद करना तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, लेकिन मुझे 2-3 चीजें याद हैं जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगा. जब मैं वाजपेयी जी के साथ काम करता था, तो 2 डिसीशंस ऐसे थे जिनमें मेरा कुछ रोल था. और यू नो पहला डिसीशन था टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड. उन्होंने एक ग्रुप ऑन टेलीकॉम बनाया था, जो कि उस वक्त के प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन के की अध्यक्षता में था. ग्रुप ऑन टेलीकॉम का काम था कि जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर उस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रहा था, उसको रिजॉल्व करना.
क्राइसिस ये थी कि जो पहला वो था प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट टेलीकॉम अलाउ किए थे पिछली सरकार ने, उसमें जो ऑक्शन से बिड करके उसके वो निकाले गए थे कि क्या फीस वो पे करेंगे, एंड वो फिर टेलीकॉम सेक्टर ने ओवर बिड कर दिया था। जो प्राइवेट पार्टीज आई थी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो दे वर फाइंडिंग इट इम्पॉसिबल टू पे अप दैट बिडेड अमाउंट, एंड उसको किस तरह से इस मेस को रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए उन्होंने, प्रधानमंत्री ने वो ग्रुप ऑन टेलीकॉम बनाया था। आई वॉज सर्विसिंग दैट ग्रुप ऑन टेलीकॉम इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सो आई हैड लॉट टू यू नो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू देयर, एंड दिस ग्रुप ऑन टेलीकॉम शिफ्टेड द टेलीकॉम सेक्टर फ्रॉम अ फिक्स्ड रेवेन्यू रेजीम टू अ रेवेन्यू शेयरिंग रेजीम, जिसकी वजह से ये सेक्टर आज फल फूल रहा है। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। सेकेंड पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, NHDP जो कहलाता था। ये इंडिया का जो हाईवे नेटवर्क है, ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से आज अच्छा है, और ये वाजपेयी जी के जमाने में दिस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज कंसीव्ड एंड इम्प्लीमेंटेशन बिगैन, एंड वंस अगेन ही हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर जसवंत सिंह, हु वॉज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, एंड आई वॉज सर्विसिंग दिस ग्रुप ऑल्सो। तो नेशनल हाईवे NHDP के कंसेप्चुलाइजेशन में, उसमें जो आइडियाज आए इंक्लूड किए गए थे, उनमें आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू प्ले सम रोल। तो आई रिमेम्बर दीज टू मेजर पॉलिसी इंटरवेंशंस, पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ मिस्टर वाजपेयी टेन्योर। मनमोहन सिंह जी, दीज आर टू इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स व्हिच मनमोहन सिंह जी के पीरियड में मेनी थिंग्स हैपेंड, बट द थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज दैट आई हैड अ रोल टू प्ले। इनफैक्ट आई वुड पुट इट दिस वे दैट आई वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू होम द सच्चर कमिटी वाज सेट अप। यू नो, मनमोहन सिंह जी के पीरियड में जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमिटी सेटअप की गई थी टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। नाउ देयर वर लॉट्स ऑफ people who criticized this initiative, but I think it was a very important strategic initiative because you know the Muslims of India are a backward community, wo gareeb hain, educationally backward hain, aur itni badi abadi agar backward rehti hai to desh aage nahi badh sakta, to hum tabhi kuch intervention kar sakte hain, sarkar kuch programs tabhi bana sakti hai is बैकवर्ड आबादी को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक कि स्टडी ना किया जाए कि ये कहाँ रहते हैं, किस प्रदेश में है, किस प्रदेश में किस प्रकार की इनकी दशा है, एजुकेशनल बैकवर्ड कितनी है, व्हाट काइंड ऑफ इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड, ये चीज जब तक कि डिटेल में सरकार स्टडी नहीं करेगी तब तक आप आगे कुछ और इंटरवेंशन प्लान भी नहीं कर सकते। सो यू हैव टू स्टडी प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन यू कैन रिजॉल्व इट, एंड देयरफॉर दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव सेटिंग अप ऑफ द सच्चर कमिटी। आज की डेट में सच्चर कमिटी का डिस्कशन किए बिना, सच्चर कमिटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर चर्चा किए बिना देश के मुस्लिम कम्युनिटी की दशा के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती। टुडे व्हेनेवर एनी डिस्कशन इज हैपनिंग ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, सच्चर कमिटी हैज टू बी ब्रॉट इन, बिकॉज सच्चर कमिटी वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अ डिटेल्ड स्टडी वॉज डन about the condition of the Muslims of India. वो मनमोहन सिंह जी के पीरियड में इनिशिएटिव हुआ था, एंड आई हैड यू नो आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल, आई वॉज द की पर्सन हु एक्चुअली पुट अप दिस प्रपोजल टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड ही आई वुड ऑलवेज सैल्यूट हिम फॉर अप्रूविंग दिस प्रपोजल। के साथ विकास हो देश के निचले तबके का, माइनॉरिटी मुस्लिम्स का। सर, मैं आपसे एक बहुत अलग अहम सवाल पूछना चाहूंगी। आप चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश 2 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए रहे। यूपी की सरकार आपके हिसाब से चलती थी, उस दौर के कुछ खास अचीवमेंट्स के बारे में बताइए।
जी, मैं यूपी गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी रहा 2 साल कुछ महीने, और जो दो तीन चीजें याद है मुझे उस पीरियड की, 2012-2014, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, 20 करोड़ की आबादी का स्टेट है और अनेकों प्रॉब्लम्स हैं इसके, पिछड़ा हुआ प्रदेश भी है कंपैरेटिवली। एक तो उस पीरियड में 2013 में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज हुआ था और वो महाकुंभ था, जो हर साल वाला जो कुंभ है वो नहीं था, बल्कि जो लंबे अवधि के बाद आता है महाकुंभ कहलाता है। तो महाकुंभ कुंभ, हाँ, कुंभ मेला 2013 वो ऑर्गेनाइज कराया था मैंने, और जब मैंने टेक ओवर किया था एज चीफ सेक्रेटरी, दैट वॉज इन मार्च 2012, तो रिव्यू में मैंने पाया कि 2013 की शुरुआत में कुंभ मेला आना है, मुश्किल से 8-9-10 महीना बाकी हैं और कोई खास तैयारी नहीं हुई है। तो एक बहुत बड़ा इंतजाम होना होता है, इट्स अ ह्यूज लॉजिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज एंड देयर वाज एनी टाइम लेफ्ट। वो उस पीरियड में इंटेंस मेहनत की गई थी पूरे सिस्टम द्वारा, और कुंभ मेला 2013 वाज एक्चुअली अ वेरी इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम, एक रिसर्च टीम जो थी वो आई थी वहां पर रिसर्च करने के, करीब मेरे ख्याल से 40-50 लोग उन्होंने भेजे थे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में काम करने के लिए वहां पर, एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स वो स्टडी कर रहे थे। उनकी एक काफी काफी कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिकेशन कुंभ मेले के बारे में उन्होंने निकाली है, एंड दे वर फुल ऑफ प्रेज फॉर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द कुंभ मेला 2013। सो वो मुझे याद है। देन टू मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर इनिशिएटेड इन द पीरियड व्हेन आई वाज चीफ सेक्रेटरी And completed later on, but they were initiated. One was the Agra-Lucknow Expressway. That was initiated during that period when I was chief secretary. तो उसकी planning और उसकी शुरुआत मैंने कराई थी। दूसरा infrastructure project है लखनऊ मेट्रो। वो भी मेरे समय में, जब मैं chief secretary था, तो मैंने उसकी planning कराई और उसकी शुरुआत कराई। वो बाद में complete हुआ। अब आज की date में लखनऊ मेट्रो is serving the people of Lucknow. There was another scheme which was a favorite, which was a very favorite scheme of the chief minister, वो थी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो जो जितने बच्चों ने इंटरमीडिएट का इम्तहान 2013 में पास किया था, उन सबको एक एक लैपटॉप बांटा गया था। यू वुडंट बिलीव इट, यूपी परचेज्ड 15 लाख लैपटॉप्स, 15 लाख लैपटॉप एक साथ परचेज किए गए और उनको 15 लाख बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और उस पूरी एक्सरसाइज में नॉट अ सिंगल फिंगर वॉज रेस्ड, न किसी ने कहा कि किसी लैपटॉप के परचेज में कोई प्रॉब्लम हुई है, न किसी ने कहा कि बच्चे को लैपटॉप मिलना था और नहीं मिला है। सो द होल एक्सरसाइज, इट वॉज अ ह्यूज लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज एंड आई थिंक इट मेड एन इम्पैक्ट। यूपी के यंग बच्चों को आईटी की तरफ मोड़ने का के लिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप, एंड आई तो होप ये कि था। और मुझे भी याद है कि मेरे घर के आसपास और मेरे जान पहचान के कुछ लोग थे जिन बच्चों ने 12th क्लास पास किया था, उनको लैपटॉप मिला था, तो उनकी खुशी का आलम पूछिए मत। हर जगह वो उस लैपटॉप को दिखाते फिर रहे थे और एक बहुत जी, अच्छी पहल थी। तो तो दैट वाज, ये सब मुझे कुछ चीजें याद है जो बस मैंने। ये सब बहुत आपने खूबसूरत बात बताई और ये बात तो मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मैंने अपने आसपास होते हुए देखा था। सर, आपने किताब लिखी है क्लाइमेट चेंज पर, आपने एडिट करी है वो किताब। जी क्लाइमेट चेंज में जिज्ञासा क्यों पैदा हुई? देखिए, जब मैं वर्ल्ड बैंक में काम करता था 2007 से 2010 तक, तो उस पीरियड में बोर्ड में जो डिस्कशंस होते थे उनमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था और मैंने बहुत कुछ सीखा
क्लाइमेट चेंज के बारे में, हाउ बिग अ चैलेंज इज क्लाइमेट चेंज टुडे फॉर द होल वर्ल्ड, फॉर इट्स, अगर आज कहा जाए कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो कोई कहेगा कोविड है और कोई कहेगा न्यूक्लियर वॉर है, मैं कहूंगा क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर दुनिया नहीं इसको एड्रेस करेगी, वर्ल्ड डज नॉट कम टुगेदर टू एड्रेस इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ये सिविलाइजेशनल थ्रेट है आने वाले, और हमारी जिंदगी में तो नहीं होगा लेकिन हमारी अगली जनरेशन जो है और उसकी अगली जनरेशन जो है उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सब चीजें मुझे समझ में आई जब मैंने इस इशू को वर्ल्ड बैंक में अपने 3 साल के दौरान इनको पढ़ा अच्छी तरह से, तो आई डिसाइडेड कि मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में और डिटेल में अध्ययन करूंगा। सो आई आफ्टर माई टर्म फिनिश्ड इन द वर्ल्ड बैंक इन 2010, मैंने 1.5 साल की छुट्टी ली थी, स्टडी लीव ली थी, और उस पीरियड में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूपेन फिलाडेल्फिया में विजिटिंग स्कॉलर था, और मैं क्लाइमेट चेंज पर मैंने रिसर्च करी लगभग 1.5 साल तक, स्पेशली फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। सो वो इंटरेस्ट मेरा बरकरार है, मैं उसको पढ़ता हूँ और आगे चलकर मैंने उसके बाद ही वो किताब अपने एक साथी के साथ एक किताब पब्लिश कराई, एडिट करा हमने, 2 चैप्टर्स हम लोगों ने लिखे थे, बाकी चैप्टर्स दुनिया के अन्य स्थानों से कुछ एक्सपर्ट्स से हमने ऑब्टेन करे, वो किताब जो है वो पब्लिश की गई। आई इंटेंड टू राइट मोर ऑन दिस सब्जेक्ट एंड दिस इज अ सब्जेक्ट क्लोज टू माई हार्ट, इट्स आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स दैट ऑल गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव टू अंडरस्टैंड एंड कम टुगेदर। आपकी किताबें पढ़ेंगे और सोसाइटी में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। सर, 40 साल से अधिक के कार्यकाल में आखिर के 5 साल 2015 से 2020 आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ यूपी सीआईसी रहे, आरटीआई आपकी जिम्मेदारी रही, आज के भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लागू हुआ और ये मेरे ख्याल से ये एक रिवोल्यूशनरी एक्ट है, यू नो क्रांतिकारी अधिनियम जिसे कहें हिंदी में, ये रिवोल्यूशनरी एक्ट है और मैं रिवोल्यूशन टर्म को सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। रिवोल्यूशन या क्रांति का मतलब होता है स्टेटस को में परिवर्तन, क्रांति से पहले जो स्टेटस को था वो अब क्रांति के बाद नहीं रहता, थिंग्स चेंज रिवोल्यूशन में। तो 2005 से पहले और 2005 के बाद इस एक्ट की वजह से बहुत से चेंजेस आए हैं। 2005 से पहले किसी आम हिंदुस्तानी के ड्रीम्स में भी नहीं था, सोच भी नहीं सकता था वो, कि वो किसी सरकारी दफ्तर में जा करके अधिकार के साथ कहे कि मुझे फलां फाइल के फलां पेज की फोटोकॉपी दो। दिस वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। 2005 के बाद अनेकों लोगों ने इस प्रकार से डिमांड करके इंफॉर्मेशन सरकारी दफ्तरों से प्राप्त की है। इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन गिव्स यू, इट एम्पावर्स यू। तो देयरफॉर आरटीआई एक्ट ने आम हिंदुस्तानी को एम्पावर किया, उसको वो शक्ति दी है कि वो अपने अपनी जिंदगी में सुधार करने के लिए अगर सरकार से कुछ उसको जानकारी चाहिए तो उसको प्राप्त कर सके। ये 5 साल 2015 से 2020 तक मैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यूपी रहा और ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माय गुड फॉर्च्यून कि मुझको मौका मिला इस बड़े स्टेट में आरटीआई एक्ट के को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए जो कुछ भी मैं कर सकता था वो मैंने 5 साल में किया। आई थिंक इट इज एन एक्ट विच इज एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी बिकॉज दिस गिव्स पावर टू द कॉमन पर्सन एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स वॉट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि प्रजातंत्र को प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए
ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जिसे कहते हैं, और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, और वो इस एक्ट के जरिए से आम आदमी को मिलता है। सर, बहुत खूबसूरत सर, आपसे हमने काफी भारी भारी बातें पूछी, बहुत भारी सवाल पूछे। अब हम एक बहुत हल्के फुल्के ऐसे सवाल पे आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो भारी जी वाकई में मायनों में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक हल्का माहौल क्रिएट कर देगा। सर, सवाल कुछ जी यूं है, रिलेशनशिप पर आपका एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी। आप अपने देश में काम करते थे और आपकी धर्म पत्नी डॉक्टर फरा साहिबा यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में, दोनों की जी लाइफ की पटरी अलग अलग रही, तो शादी के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया और आज की रिलेशनशिप पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये सही है कि मैं आईएएस में था, मेरी मेरी करियर की पटरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थी, एंड मेरी वाइफ फरा पिछले 20 साल से अधिक पीरियड से यूएन में काम कर रही हैं, और वो यूएन में पहले दिल्ली में पोस्टेड रहीं, फिर वो काठमांडू में पोस्ट हो गई, और फिर उसके बाद में वो न्यूयॉर्क में 2007 से न्यूयॉर्क में है। तो हम लोगों ने इसको मैनेज किया अपनी जिंदगी में। पहले तो यह है कि जब वो दिल्ली में पोस्टेड थी तो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में दिल्ली में था, तो हम लोग साथ साथ थे, तो वो मैं पीएमओ में काम करता था, वो दिल्ली में लोधी एरिया में, लोधी रोड एरिया जो है वहां पर यूएन के दफ्तर हैं, वहां जाकर काम करती थी, एंड दैट वर्क्ड वेरी वेल फॉर अस। लेकिन जब वो 2001 में वो काठमांडू पोस्ट हुई, तब फिर मैं पीएमओ में था, और मैंने ये समस्या अपने सीनियर अफसरों को बताई कि मेरी वाइफ की पोस्टिंग काठमांडू हो गई है, एंड दे वर काइंड टू मी एंड दे सेड दैट वी विल पोस्ट यू टू काठमांडू। तो मेरी जो पोस्टिंग इंडियन एम्बेसी काठमांडू में हुई थी, उसकी मेन वजह फरा थी। फरा हुआ क्योंकि काठमांडू पोस्ट हुई थी, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे काठमांडू चला गया। तो अगेन वी वर टुगेदर फॉर 3 ईयर्स, आई कंटिन्यूड इन काठमांडू फॉर 3 ईयर्स एंड शी कंटिन्यूड टू वर्क इन काठमांडू। शी वॉज 3 साल बाद मैं वापस पीएमओ में आ गया 2004 में, फरा वहीं पे काठमांडू में कंटिन्यू करती रही। फिर भी चलता था क्योंकि दिल्ली से काठमांडू इज लाइक दिल्ली से लखनऊ, दिन में 4 फ्लाइट्स थी और बहुत 1.5 घंटे, 1.25 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली काठमांडू की, तो वी वर एबल टू बी क्वाइट ऑफन। बट देन इन 2007 शी गॉट पोस्टेड टू न्यूयॉर्क, तो दिल्ली न्यूयॉर्क तो फिर मुश्किल हो गया। इट वॉज देन दैट आई गॉट पोस्टेड टू वॉशिंगटन डीसी इन 2007। तो फिर यह रहा कि वो न्यूयॉर्क में थी और मैं वॉशिंगटन डीसी में 2007 से 2010 तक था, और फिर वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क का सफर जो है, मैं उस सफर में पारंगत हो गया। आई एम ए पीएचडी इन दी वॉशिंगटन न्यूयॉर्क बस ट्रिप और वॉशिंगटन न्यूयॉर्क ट्रेन ट्रिप। मुझे याद है कि सड़क पर किस जगह पर कौन सी होर्डिंग लगी हुई है इस रास्ते में, इतनी बार मैंने ट्रेवल किया इस बीच में। तो जैसे मैंने अर्ज किया, बेसिकली बेसिकली जी बेसिकली वी वी मैनेज्ड, ये दो पटरियां जो थी जो आपस में नहीं मिलनी थी, आईएएस और यूएन, दो अलग अलग करियर्स हैं, लेकिन वी वर एबल टू मैनेज इट एंड हमारी जिंदगी ठीक कट गई। सर, बहुत खूबसूरत ये जो आपकी कहानी है रिलेशनशिप की बेस्ड, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत को इंस्पायर करेगी। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। नर्चर लाइफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर खास तौर से काम करता है, तो इससे जुड़ा एक सवाल ये है, हमारे समाज में मर्दों की इनर स्ट्रगल ऑफ मेन पर कभी बात नहीं करी जाती और अमूमन मर्द मदद मांगना पसंद नहीं करते, जबकि उनके अंदर एक आवाज चीख चीख के बोल रही होती है, अब बस, अब और नहीं हो पाएगा, कोई मुझे सुनो, कोई मुझे समझो। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस मेंटल हेल्थ पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो हमारी जो सोसाइटी है
और दुनिया के सभी मुल्कों में जो सोसाइटी है, इट इज स्टिल अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. इट इज स्टिल अ सोसाइटी वेयर द मैन हैज, यू नो, देयर इज नॉट, देयर इज नो, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कंप्लीट जेंडर इक्विटी इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज. तो ये अपनी जगह पर है कि इन द रिलेशनशिप ऑफ अ मैन एंड अ वोमन, नॉर्मली वी स्टडी एंड वी से दैट, यू नो, इश्यूज आर देयर विद द वोमन, उनको उनको समस्याएं, कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है. ये बात अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है, सही है. ये पितृ सत्ता जैसे कहते हैं पेट्रियार्की, उसकी प्रॉब्लम्स वाजिब हैं, और वो प्रॉब्लम्स को स्टडी करना, उनको रिजॉल्व करना और जेंडर इक्विटी के टारगेट पे पहुंचना, ये बहुत जरूरी है. लेकिन ये साथ में हमें नहीं भूलना चाहिए कि मेन ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर लिविंग इन अ सोसाइटी विच गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू मेन, देर आर इशूज मेन फेस विच दे आर नॉट एबल टू रिजोल्व. और वो इश्यूज बेसिकली ये हैं कि उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि, यू नो, ही इज अ मैन, ही विल टेक ऑल द बर्डन्स, ही विल नॉट शो वीकनेस, ही विल नॉट से कि मेरी समस्या है, मुझको मदद करो. वो कहना कमजोरी है. ये चीज, ये बिलीफ जो है, ये सबके दिल में है. सो यू नो, मर्द को अपनी मजबूती, अपनी स्ट्रेंथ वही दिखानी है, अपनी कमजोरियां छुपानी है, और मदद मांगना एक कमजोरी है. ये चीज पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक हिस्सा है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम दैट मेन फेस. तो मेरी ये राय है कि, यू नो, डोंट डोंट ट्राई टू बी अ मैशो ऑल द टाइम. आप अगर, यू नो, इफ इन अ फैमिली, इफ a man can, should also come forward and express his problems and his emotions openly. It is not only a woman who should be expressing her problems and seeking help for her problems. Men should also pose their problems, and basically the aim is an equal partnership jisme mard aur aurat dono ki बराबरी हो और प्रॉब्लम्स का सलूशन दोनों का. तो दिस इज द, यू नो, दिस इज द एडवाइस दैट आई वुड गिव. डोंट ट्राई टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैशो पर्सन ऑल थ्रू योर लाइफ. सर, बहुत कुछ चाहूंगी कि जाते जाते खास संदेश जो आप आज दर्शकों को देना चाहेंगे. देखिए, आपने अल्लामा इकबाल के शेर के साथ शुरुआत करी थी, तो मुझको मौका दें कि मैं इकबाल के ही शेर से इर्शाद, सर, इर्शाद, इस मामले को, इस शो को एंड करूं. तो मैं ये कहना चाहूंगा, खास तौर से जो यंग हैं लोग, जो यंग ऑफिसर्स हैं आईएएस में और अन्य सर्विसेज में, या कहीं भी, जो आई एम एमिंग दिस टू द यंग पीपल, और मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि खास तौर से व्हेन यू आर यंग एंड यू हैव लेस लायबिलिटीज, देन यू शुड बी विलिंग टू टेक हार्डशिप्स, बिकॉज उससे ज्यादा बेहतर वक्त आपको हार्डशिप्स लेना और लेकर के उनसे सीखने का मौका आपको आगे नहीं मिलेगा. जिंदगी में आगे चल करके आपकी लायबिलिटीज बढ़ेंगी, आपकी फैमिली होगी और आपके आपको बहुत ज्यादा सख्त किस्म की डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए आप शुरुआत में, जब आप यंग हैं, when you are a youth, then you should take decisions where you should not be looking only for comfort. तो अल्लामा इकबाल ने जो शाहीन के लिए कहा है, शाहीन इज ईगल, वो लागू है फॉर अ यंग पर्सन ऑल्सो. उन्होंने लिखा है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पे, तेरा घर सुल्तान के महल के गुम्बद पर नहीं है. कंफर्ट मत ढूंढ अपने लिए, कंफर्टेबल लाइफ मत ढूंढ. नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पे, तू शाही है, यू आर एन ईगल, तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान.
नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं ये भी कहना चाहूंगा उनको, यंग लोगों को, कि रिस्क लो, यही वक्त है यू नो टू टेक, बट डोंट टेक अनवाइज रिस्क, अच्छी तरह से स्टडी करके, बट जिंदगी में रिस्क लेना सीखो, क्योंकि रिस्क के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसको भी एक शेर के जरिए से एक्सप्रेस किया गया है बहुत अच्छा। भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, तुंद माने ऊंची, भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। क्या बात है, बहुत ज्यादा, बहुतों को इबरत देगा कि मुश्किल रास्ते को चुनो, कि हमेशा एक सुल्तान की गुंबद के ऊपर अपना बसेरा मत जमाओ, पहाड़ों को भी अपने बसेरे के तौर पर चुनो, मुश्किल दौर से जूझो और आगे बढ़ो। बहुत खूबसूरत सर। सर जाते जाते मैं आपके लिए एक कोट कहना चाहूंगी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, और मुझे लगता है कि आपकी शख्सियत पे लिखा है ये। A man who has the confidence to not feel the need to defend his point of view and at the same time possesses the openness to accept others' point of view without being judgmental, yet managing to stay true to his convictions, is the man of real substance. And that man is you, sir. Thank you very much for this, these good words. Thank you very much. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर आपने बहुत खूबसूरत भारी अहम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। हम लोग आपके आजीवन आभारी हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों हम शुक्रगुजार हैं अपने सोशल मीडिया स्पॉन्सर्स के, अपने पार्टनर्स के, और मैं इसी के साथ आपसे अलविदा लेती हूँ कि अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए खास मेहमान के साथ। आप इन बातों को सुनिए, आगे तक पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइए, क्या पता किसी की मदद हो, क्या पता किसी की जर्नी आसान हो जाए। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक नए खास मेहमान के साथ। साइनिंग ऑफ, अलविदा दोस्तों।